देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। संसद के सेंटर हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी एक बार फिर संसदीय दल की नेता चुनी गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। फिर से नेता चुने जाने पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस को वोट करने वालों का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है। सोनिया गांधी की तरफ से उन्होंने बताया है कि हम उन 12.13 करोड़ वोटरों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया। संसद सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने भी अपने तेवर साफ कर दिए हैं। उन्होंने बैठक में कहा, हम 52 सांसद हैं। मैं गारंटी देता हूं कि ये 52 सांसद बीजेपी से हर इंच पर लड़ेंगे। हम बीजेपी को हर दिन नचाने के लिए काफी है। वो हमसे लड़ाई लड़ने के लिए गालियां देंगे, नफरत करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे। आप इसका लुत्फ लीजिए, आपको भी आक्रामक होना होगा। वक्त आत्मनिरीक्षण और कायाकल्प करने का है। पिछले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद यह मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी ने पार्टी की शर्मनाक हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि लोकसभा में उसके सिर्फ 52 सांसद हैं। विपक्ष का दर्जा पाने के लिए एक पार्टी के पास कम से कम 55 सांसद होने जरूरी है। 2014 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के सिर्फ 44 सांसद पहुंचे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी के हाथों करारी मात मिली थी। इस चुनाव में भाजपा को अपने दम पर 303 सीटें मिली, जो उसके इतिहास में सबसे ज्यादा है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।